और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। फिलहाल आज आप लोग का हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज मैं बीजमाई अनबैन से रिलेटेड बहुत ज्यादा ही बड़ी न्यूज लेके आया हूँ। और ये भी कंफर्म हो चुका है गाइस कि बीजमाई कब आ रहा है 100%। और गाइस यही नहीं, आप लोग जोनाथन जो है वो भी यहाँ पे कंफर्म कर दिए है। और भाई बहुत सारा चीज इस जुड़ में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि बीजमाई कब आने वाला है और कैसे आने वाला है और क्या रहेगा और न्यू पब्लिशर कौन रहने वाला है। हाँ गाइस, सारा चीज रिवील हो चुका है एंड सारे रिएक्शन आज के वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस एकदम उस दिन इतना ज्यादा तबाही होने वाला है बीजमाई अनबैन के दिन, क्या ही बताऊं। बहुत सारा चीज यहां पे निकल के आया है जो कि इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस यहां पे सबसे पहले बीजमाई अनबैन से रिलेटेड बात करेंगे हम एंड जोनाथन क्या कहे और सभी लोग क्या कहे। तो सबसे पहले यहां पे अनबैन रिलेटेड न्यूज आ रहा है और भाई यहां पे ये बोला गया है कि बीजमाई अनबैन कब होगा। और भाई यही नहीं, इसका पब्लिशर भी यहाँ पे रिवील हो चुका है। तो चलो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ गाइस। गाइस तो अभी हम लोग जा रहे थे टीम गॉडलाइक से मिलने, नियो शैडो जी गॉड और गॉड निक्सन, ये सब भी आए हुए हैं, मतलब ये गॉड निक्सन भी आया हुआ है, तो बस उनसे मिलने जा रहा है। लाइट ऑन, बताओ गेम का क्या सीन है तो बताओ कोई। बीजेमआई लीग का, बीजेमआई का बस हम रीसेंट लैंड पे गए थे ना बालों का, तो उसमें मेरे को बस वही रूमर्स थे कि नहीं पता क्या, तो उन्होंने ये बताया कि बीजेमआई वापस आ रहा है अगले साल अराउंड फेब, और एक नया पब्लिशर होगा जियो या तो एयरटेल, एग्जैक्टली अब वो रूमर भी हो सकता है, बट अगर जियो रहा तो। और हाँ गाइस, जिनके मन में भी ये डाउट था कि बीजमाई बैन होने के बाद ई स्पोर्ट प्लेयर का क्या होगा, मतलब जो ई स्पोर्ट खेलते हैं बीजमाई के लिए उनका क्या होने वाला है, और भाई यहाँ पे आप लोग का जो डाउट है वो गॉबलिन भाई ने समझ लिया और उसका रिप्लाई भी यहाँ पे दे दिया है। तो ऑन स्क्रीन उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस। उनका क्या होगा तो दूसरे गेम के ई स्पोर्ट्स खेलेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम द गेम। अगर कल को बीजेएमआई का हाइप कम हो जाता तो भी यही होता, यही वॉचिंग आती, यही प्राइस पूल होता कि 1,50,000 के टूर्नामेंट से होते, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी भी लोग जो पूरा घंटा पूरा दिन ग्राइंड कर रहे हैं ई स्पोर्ट्स में, जैसे कि दूसरे ई स्पोर्ट्स हो गए उनमें भी इतना ही प्राइस पूल होता है, 1-2-3 मैक्सिमम। तो इधर तो गेम सस्पेंडेड होकर उतना हो रहा है, तो खराब नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली अगर बीजेएमआई नहीं आया तो कोई दूसरा गेम आ जाएगा, कोई तीसरा गेम आ जाएगा, कोई ना कोई गेम आना है जो हाइप में रहेगा। आ गया तो पूरे पब्लिक बीजेएमआई, अगर नहीं आया तो डेफिनेटली कोई और गेम आएगा। अच्छा तो गाइज आई होप आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बीजमाई अनबैन से रिलेटेड न्यूज के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आपके जो जोनाथन भाई है वो यहाँ पे एक रिएक्शन दिए हैं बीजमाई अनबैन को लेके, और भाई एक हिंट भी दिए हैं, तो उसको आप लोग ऑन स्क्रीन देख सकते हो। जब कब आएगा वापस तब तक यही शेड्यूल होगा, उठो जिम जाओ, yes. आओ स्ट्रीम करो एंड क्या गेम वापस आने के बाद भी जिम करेगा, टाइम नहीं मिलेगा ना। तो अगर टाइम मिला तो यू नो छोड़ना नहीं है ब्रो। तो गाइज आई होप यहाँ पे जोनाथन भाई का हर एक बात आप लोग को समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कल आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आरपी सेक्शन में जाके तो 399 डेज दिखा रहा था, बट अभी के टाइम जाके देखोगे तो 400 दिन यहाँ पे दिखा रहे हैं गाइज, और भाई यहाँ पे हावर्स बढ़ते जा रहे। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था क्या सीन है, क्योंकि कल मैंने अब वीडियो अपलोड किया था एंड उसमें ये सारा चीज क्लियर कर दिया था। यहाँ पे रॉयल पास तो नहीं आया। अब बात कर लेते हैं बीजमाई के 2.3 अपडेट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है कि 2.3 अपडेट आएगा, बहुत ही मतलब आप लोग समझ के रखो भाई, 50% चांस है कि 2.3 का अपडेट आएगा, और ऐसा होता है तो भाई मजा फिर से आने वाला है। और भाई मेरे हिसाब से ये होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो गेम में ये नहीं चेंज किया गया है, जो C3S9 है वो नहीं चेंज किया गया है, तो मे भी यहाँ पे अपडेट 2.3 का आएगा, और बीटा वर्जन का भी अपडेट आ चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।